क्या घटना हुई आप लोग के साथ? हम लोग के साथ घटना ये हुई सर कि हमारा बेटा गया था रोड पे, वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा बात हुआ जिसके वजह से विवाद हो गया, दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ और कोई जमीन मतलब जाति मामला था नहीं, और वो लोग आईएएस का भाई था, पुलिस भी तुरंत आ गई, कंप्लेन भी किया और हम लोग भी कंप्लेन करने गए तो कोई कंप्लेन हम लोग का नहीं लिया, क्योंकि वो पावर वाला है, आईएएस का भाई है, इसलिए उसका कंप्लेन लिया गया। और हमारा मतलब लोकल आदमी, हम लोग गरीब आदमी है तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा कहीं होता है? ये कौन सा कानून है जो ऐसा ये मतलब है? बात यहाँ पे झगड़ा होने की ये है कि वहाँ कोई जाति दुश्मनी विवाद नहीं था, नहीं, या आपसी में थोड़ा सा तू-तू मैं-मैं में आपस की झगड़ा हो गया? लोग को जानते तक नहीं है, कभी जान पहचान हुआ ही नहीं वो लोग से, कभी फेस टू फेस या ऐसे ही कभी भी बात नहीं हुई उनसे। और हम लोग कंप्लेन करने जाते हैं तो पुलिस नहीं लेते, और घर पे आते बोलते हैं कि आईपीएस होते हैं उनसे एसपी वो बोल रहे हैं कि हमको ऊपर से प्रेशर आएगा तो हम आप लोग को प्रेशर देंगे, और विदाउट लेडीज पुलिस के आते हैं और हम लोग के घर में घुस जाते हैं, लेडीज से जबकि कोई जेंट्स नहीं है, और बोल रहे जबरदस्ती की हाजिर कीजिए, जब रहेंगे तभी तो हाजिर करेंगे। आप लोग एक जो सिविल ड्रेस में थे वो बोले कि आप लोग आइए थाना, आप लोग को बताते क्या बताएंगे हम लोग को, यही है कि लेडीज रहे घर में तो आप जेंट्स पुलिस लेके ढूंढ जाइए, और लेडीज को परेशान, पुलिस वाले भी आईएएस के सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को नहीं चैलेंज कर रहे हैं कि मतलब आइए हम लोग कमजोर आदमी है, आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में, जिसका पैसा उसी का पावर उसी का पुलिस है, हम लोग का कुछ सुनवाई ना तो आप लोग का सुनवाई लिया जा रहा है ना तो आप लोग का केस लिया जा रहा है। और हमारा बच्चा भी सुबह से घर नहीं आया है, कल ही रात से कह देते हैं कि नहीं आया हमारा बच्चा, यानी आप लोग को पता नहीं कि आपका बच्चा कहाँ है? हमको लगता है कि हमारा बच्चा को वही लोग रख लिया है। आइए जो वहाँ बात हुई कि 70,000 डकैती और फायरिंग होने का, ये बात में क्या सच्चाई है? बच्चा 16-17 साल का ऐसा कर सकता है? उसका कभी भी आप लोग रिपोर्ट देख लीजिए थाना या पुलिस में, क्राइम रिपोर्ट, कि हाँ वो कितना बार किसी से लड़ा है झगड़ा, खुद शर्मिला टाइप का लड़का, किसी से बात तक नहीं करता, वो किसी से क्या झगड़ेगा? ये जो फायरिंग होने की बात हुई है क्या सच्चाई है? एकदम गलत है, आप लोग पता कर सकते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पे झगड़ा हुआ था, पता कर लीजिए कि वहाँ पे कोई फायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही वो जो कैश है और मोबाइल के बारे में बोले ये सब इल्जाम लगाया जा रहा है। हम लोग को कमजोर समझ के इन लोग दबोचना चाहते हैं कि इन लोग को सजा दे, मार खिलवाए, ये वगैरह वगैरह, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पावर वाला है उसी का आप लोग सपोर्ट करें, समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग आम आदमी को, पुलिस किस लिए होता है? सबका सपोर्ट करने के लिए, इन्हें की जो पैसा वाला है पावर वाला उसी का हम सपोर्ट करेंगे, पुलिस पे फिर हम लोग का भरोसा क्या रहेगा? ये तो एकदम नाइंसाफी है कि बोलते हैं ये क्या बोलते हैं कि लेडीज पुलिस नहीं लेके आए, और आप पर्दा उठा रहे हैं जब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर में कोई चेंज नहीं है, हटिया ऐसे गन ताने में क्या हम लोग आपको क्या नजर आ रहे थे? क्रिमिनल थे हम लोग, जो क्रिमिनल गोली मार रहे दिन ब दिन उसका कोई नहीं आ रहा है, उनमें खुलेआम चल रहा है सब, और हम लोग घर पे आके ऐसे कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा भगने वो मेरा भगना है, हम उसकी मामी है। किसकी मामी है? दानिश खान की मामी है और शेरू खान की वाइफ है। जी हाँ, और शेरू खान का नाम या परवेज खान का ऐसा बस, वो लोग फ्रंट पे थे भी नहीं जिन लोग को फंसाया जा रहा है, ये एकदम ना इंसाफी है जो बोला जा रहा है, और हम लोग का यही अपील है, आप लोग से विनती करते हैं कि पुलिस सबका साथ दे, ठीक है ना? ये नहीं कि जो पैसा वाला है उसी का साथ दे, जो आईपीएस का भाई है तो क्या हुआ, वो आईपीएस का भाई तो उसका सब कुछ किसी को भी रोक के चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम लोग का भी ये करेगा ना कि हाँ भाई ये लोग आम आदमी है तो हम इन लोग का सपोर्ट करें, तो हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं?